हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी एडिक्टेड एकेडमी। माय नेम इज उमेश और इस वीडियो में हम अगेन जो है चैप्टर 13 जो रहता है हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 का जो चैप्टर 13 है सोशल सेक्टर, इसको जो डिस्कस करेंगे। और दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर सीरीज ऑफ हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 फॉर एचपीपीएससी, एचपीएस, अलाइड सर्विसेज, नायब तहसीलदार एज वेल एज अदर स्टेट लेवल एग्जामिनेशन। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे आज समग्र शिक्षा। देखिए इसमें बताया गया कि फॉलोइंग स्कीम्स रनिंग होती है अंदर समग्र शिक्षा। तो सबसे समग्र शिक्षा का एक बैकग्राउंड जो देख लेते हैं, ये आप अपनी स्क्रीन के सामने पीआईबी की न्यूज देख सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की। गवर्नमेंट इज रनिंग समग्र शिक्षा स्कीम टू इंश्योर इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन टू एचआरडी मिनिस्ट्री की जो न्यूज रहती है। तो देखिए समग्र शिक्षा जो एक इंटीग्रेटेड स्कीम रहती है फॉर स्कूल एजुकेशन, जो कि लॉन्च की गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा थ्रू आउट द कंट्री। और ये जो है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और हिमाचल प्रदेश में इसका फंडिंग पैटर्न 90:10 में रहेगा। 90% शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट का रहेगा और 10% जो है स्टेट गवर्नमेंट का। 18-19 फाइनेंशियल ईयर से जो है इसको जो है लागू कर दिया गया है पूरी कंट्री में। और ये जो प्रोग्राम है ये सब ज्यूम करता है 3 स्कीम्स को। तो 3 स्कीम्स को ये अपने अंदर जो है सब ज्यूम करता है सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम को, जिसमें फर्स्ट है सर्व शिक्षा अभियान, दूसरा है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान है टीचर एजुकेशन, और ये जो है देखिए एक ओवरआर्चिंग प्रोग्राम है फॉर स्कूल एजुकेशन सेक्टर एक्सटेंडिंग फ्रॉम प्री स्कूल, यानी कि जो भी आपकी नर्सरी केजी की क्लासेज होती हैं एज वेल एज टू क्लास 12 तक इसमें जो है क्लासेस कवर की जाती है। और इट एम्स टू इंश्योर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन एट ऑल लेवल ऑफ स्कूल एजुकेशन, एंड इट इनविसेज द स्कूल एज अ कंटिन्यूम फ्रॉम प्री स्कूल, प्राइमरी, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी टू सीनियर सेकेंडरी लेवल्स। देखिए समग्र शिक्षा के तहत इसमें राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की बात की गई है। तो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में अगेन शेयरिंग पैटर्न जो रहता है 90:10 रहता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट का। और जो एक्टिविटीज अंडर दी राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में टेकन की जाती है ये रहती है टू स्ट्रेंथन दी इंफ्रास्ट्रक्चर इन दी एग्जिस्टिंग सेकेंडरी स्कूल्स, ट्रेनिंग टू इन सर्विस टीचर्स, सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग एंड कला उत्सव विद एनुअल ग्रांट्स टू स्कूल इन दी स्टेट। नेक्स्ट रहता है आईसीटी प्रोजेक्ट। तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का जो है स्कूल एजुकेशन में काफी ज्यादा जो यूज किया जा रहा है ताकि बच्चों की जो लर्निंग एबिलिटी है वो बढ़ सके, वो इजिली जो है चीजों को समझ सके, प्रैक्टिकली चीजों को समझ सके। तो टू इंप्रूव एंड स्ट्रेंथन दी टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी बाय यूजिंग स्मार्ट क्लासरूम्स एंड मल्टीमीडिया टीचिंग एड्स, डिपार्टमेंट हैज सक्सेसफुली इंप्लीमेंटेड आईसीटी इन 2037 गवर्नमेंट्स एंड हाई सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स अप टू 1920 एंड 418 गवर्नमेंट स्कूल्स आर बीइंग कवर्ड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल 2020-21। अब वोकेशनल एजुकेशन की अगर हम बात करें, वोकेशनल एजुकेशन जैसे आईटीआई वगैरह होती है, स्किल रिलेटेड जो एजुकेशन होती है उनको वोकेशनल एजुकेशन बोल देते हैं। तो अंडर द नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क स्कीम, तो NSQF स्कीम जो रहती है नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क स्कीम, इसके तहत जो है वोकेशनल एजुकेशन जो है प्रोवाइड की जा रही है 953 स्कूल्स, जिसमें जैसे कि ऑटोमोबाइल्स वगैरह हो गए, ITIS हो गया, टूरिज्म हो गई, हॉस्पिटैलिटी हो गई, टेलीकॉम, हेल्थ केयर, सिक्योरिटी, रिटेल, एग्रीकल्चर, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, BFSI, फिजिकल एजुकेशन, अपैरल्स, मेकअप, होम फर्निशिंग, ब्यूटी एंड वेलनेस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर, प्लम्बिंग जो है कोर्सेज में जो है इन्वॉल्व की गई है। और इसमें अगर हम बात करें फर्दर थ्रू GOTV डिपार्टमेंट ने ऑल्सो प्रोवाइड किए हुए वोकेशनल एजुकेशन 15 ट्रेड्स इन हिम शिक्षा वोकेशनल चैलेंज ड्यूरिंग द ईयर 2021, इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर स्पेशली एबल्ड पर्सन एट द सेकेंडरी स्टेज। तो देखिए स्पेशली एबल्ड पर्सन जो भी पर्सन विद डिसेबिलिटी रहते हैं, तो स्कीम के तहत 12 मॉडल स्कूल जो है ऑलरेडी बीन एस्टैब्लिश्ड इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स, 2074 चिल्ड्रन विद स्पेशली नीड हैव बीन एनरोल्ड इन गवर्नमेंट स्कूल ड्यूरिंग द ईयर 2019। फिर देखिए राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान की बात की हुई है, रूसा जो है हमारी स्टेट में जो 2013 से जो है लागू किया गया है 13-14 फाइनेंशियल ईयर से। तो राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान हैव बीन इंप्लीमेंटेड इन द स्टेट टू इंप्रूव द हायर एजुकेशन सिस्टम अंडर दिस स्कीम 39 जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस हैं ये एक्रेडिटेड फॉर नेक बेंगलुरु ड्यूरिंग द ईयर 2021। तो देखिए रूसा की अगर हम फंडिंग की बात करें तो ये 65:35 रहती है जनरल कैटेगरी स्टेट्स के लिए, जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटक या अदर बड़ी जो स्टेट्स हैं, हिमाचल प्रदेश के लिए और नॉर्थन स्टेट्स के लिए और नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं जो हिमालयन स्टेट्स हैं इनके लिए जो है 90:10 जो इसका फंडिंग बैठा रहता है रूसा का। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेटबुक्स और लैपटॉप्स की अगर बात करें तो देखिए 9886 मैट्रिक स्टूडेंट्स को जो है क्लास 10th के और 12th क्लास के जो है लैपटॉप्स प्रोवाइड किए गए, जिसमें 10th के 4493 और 12th के 4488 और एज वेल एज कॉलेज स्टूडेंट्स 905 जो मैट्रिक जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं ऐसे कॉलेज जो एफिलेटेड HPU के अंडर उनको जो है 1780 में जो लैपटॉप प्रोवाइड किए गए अंडर दी श्रीनिवास रामानुजन स्टूडेंट डिजिटल योजना। उसके बाद मेधा प्रोत्साहन योजना की बात करें तो इसमें देखिए जो भी बच्चे 12th के बाद जो है सीक्लेट, नीट, IIT, JEE, FMC, NDA, UPSC, SSC की तैयारी कर रहे हैं इनको जो है वन टाइम असिस्टेंट जो है 1 लाख की जो प्रोवाइड की जाती है 12th और ग्रेजुएट्स जो पास बच्चे हैं। तो इसमें देखिए 429 जो कैंडिडेट्स हैं, ग्रेजुएट 150 हैं, साइंस 200, आर्ट्स 38 और 41 बेनिफिट्स जो अंडर दी स्कीम। उसके बाद अगर हम बात करें इंस्टॉलेशन ऑफ CCTV सर्विलेंस सिस्टम,
तो टू प्रोवाइड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सीसीटीवी सर्विलेंस सिस्टम जो इंस्टॉल किए जा रहे हैं। फिर स्वर्ण जयंती उत्कृष्ट विद्यालय उत्कृष्ट महाविद्यालय योजना चलाई जा रही है, तो इसमें क्या है कि जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है एचपी का, उनके द्वारा आइडेंटिफाइड किया गया 68 स्कूल्स ऑफ ईच असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड डेजिग्नेटेड एज उत्कृष्ट विद्यालय अंडर स्वर्ण जयंती उत्कृष्ट विद्यालय योजना, और इसमें 44 लाख की जो ग्रांट प्रोवाइड की जा रही है। खेल से स्वास्थ्य योजना, तो देखिए स्पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है स्टूडेंट लाइफ का, तो स्पोर्ट्स गुड सच एज कबड्डी जूडो मैट्स रेसलिंग वेट्स लिफ्टिंग एंड बॉक्सिंग रिंग्स हैव बीन प्रोवाइडेड टू 29 सिटी एंड कंट्री स्कूल्स एंड 34 गवर्नमेंट स्कूल्स टू इनकरेज स्टूडेंट्स फॉर पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज अंडर द योजना। स्वर्ण जयंती सुपर 100 योजना, तो देखिए स्वर्ण जयंती सुपर 100 योजना में फाइनेंशियल अप टू 1 लाख जो प्रोवाइड की जाती है स्टूडेंट्स, टॉप जो 100 मेरिट स्टूडेंट्स रहते हैं क्लास 10th के, ताकि वो जो है कोचिंग ले सके फॉर एडमिशन प्रोफेशनल टेक्निकल कोर्सेज अंडर दिस योजना। सीवीर रमन वर्चुअल क्लास रूम्स फॉर स्कूल्स एंड कॉलेज की बात करें तो डिपार्टमेंट ने 24 नंबर वर्चुअल क्लास रूम्स अंडर सीवी रमन वर्चुअल क्लास रूम योजना इन डिस्ट्रिक्ट शिमला, और प्रोसेस जो है चालू है फॉर इस्टेब्लिशिंग वर्चुअल क्लास रूम इन 56 स्कूल्स एंड 50 कॉलेजेस अंडर वे। नेक्स्ट रहता है सरदार वल्लभ भाई पटेल क्लस्टर यूनिवर्सिटी, सबसे पहले आपको ये बताना चाहिए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल क्लस्टर यूनिवर्सिटी जो मंडी में जो सेटअप जो है की गई है, और इसके अंदर जो है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन द्वारा इसको एस्टेब्लिश किया गया मंडी डिस्ट्रिक्ट में, और इसके अंदर जो कॉलेज जो एफिलिएटेड है उसमें गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बासा द्रंग एट नारला महाराजा लक्ष्मण मेमोरियल कॉलेज सुंदरनगर, ये जो कंस्ट्रक्शन कॉलेज है ऑफ द क्लस्टर यूनिवर्सिटी। इनिशिएटिव कौन कौन सा लिए गए, देखिए कोविड 19 के टाइम पे तो कोविड 19 के द्वारा क्या हुआ, स्कूल जो है क्लोज थे फॉर लास्ट 10 मंथ्स एंड डिपार्टमेंट डिसाइडेड टू प्रोवाइड ऑनलाइन एजुकेशन टू स्टूडेंट्स एट देयर होम सो दैट देयर स्टडीज शुड नॉट बी सफर्ड। फॉर दिस डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन हिमाचल प्रदेश के द्वारा जो स्टार्टेड किया गया हर घर पाठशाला, जहां पर जो है फ्री ऑनलाइन स्टडी मटेरियल जो प्रोवाइड किया गया 2,84,825 स्टूडेंट्स ऑफ डिफरेंट क्लासेस स्टडिंग इन द गवर्नमेंट स्कूल्स एंड आल्सो स्टार्टेड द क्लासेस ऑन हिमाचल दूरदर्शन शिमला अंडर हिमाचल दूरदर्शन ज्ञानशाला प्रोग्राम ऑन डेली बेसिस। उसके बाद अगर हम आगे जो बात करें टेक्निकल एजुकेशन की, तो डिपार्टमेंट जो प्रोवाइडिंग कर रहा है टेक्निकल एजुकेशन वोकेशनल एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एंड रीच द स्टेज फिर एस्पिरिंग जो स्टूडेंट्स रहते हैं ऑल स्टेट कैन गेट एडमिशन इंजीनियरिंग फार्मेसी बोथ डिप्लोमा एंड डिग्री एज वेल एज सर्टिफिकेट कोर्सेज इन हिमाचल प्रदेश थ्रू फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन। तो देखिए जो टेक्निकल इंस्टीट्यूशन है हिमाचल प्रदेश के उसमें नेम होते हैं की बात करें तो मोस्ट प्रिसीज आईआईटी मंडी एट कमांड, फिर एनआईटी हमीरपुर है, फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी कांगड़ा है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट सिरमौर है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऊना है, फिर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी बद्दी तहसील नालागढ़ है, रीजनल वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन एट जुंडला है तहसील शिमला, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं इसमें 5 गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज लाए हुए हैं, गवर्नमेंट फाइनेंस में कॉलेज है, तो इस तरह से डिफरेंट कॉलेजेस के थ्रू जो वोकेशनल और टेक्निकल एजुकेशन प्रोवाइड कराई जा रही है गवर्नमेंट द्वारा। नेक्स्ट देखिए उन्होंने बात की यू प्रेजेंट इनटेक ऑफ स्टूडेंट्स इन द एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन, तो डिग्री लेवल के ऊपर 2,554 स्टूडेंट्स इनरोल है, बी फार्मेसी में 1,310, फिर डिप्लोमा लेवल 5,636 और गवर्नमेंट प्राइवेट आईडीएस में 49,000 है, तो 15,500 स्टूडेंट्स जो इंस्टीट्यूशन में जो है आपके इनरोल है। उस बाद देखिए नेक्स्ट बात की गई है कि टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम फेज 3 जो है स्टार्ट किया जा चुका है फ्रॉम अप्रैल 2017 एंड और एंड कर जाएगा मार्च 2021 में, और 3 कॉलेज जो रहते हैं स्टेट के बीच जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, राजीव गांधी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज एंड हिमाचल टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो है सेलेक्ट हुई है अंडर दी प्रोजेक्ट नेम टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। तो देखिए इसके बारे में आपको बताना चाहिए कि जो हिमाचल प्रदेश टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट में आपके जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है, सुंदरनगर का राजीव गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज है, अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज और हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी है। फिर शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग की बात करें अंडर दी हिमाचल प्रदेश स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, अंडर दी हिमाचल प्रदेश स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम, इसके द्वारा जो है एमओयू साइन किया गया मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग विद 38 गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्रोवाइडिंग नेशनल स्किल क्वालिटी फ्रेमवर्क अलाइंड शॉर्ट टर्म स्किल ट्रेनिंग टू द यूथ ऑफ हिमाचल प्रदेश, एट प्रेजेंट 4,500 कैंडिडेट्स जो रहते हैं ऑफ 33 गवर्नमेंट आईटीज आर अंडरगोइंग ट्रेनिंग अंडर दिस प्रोजेक्ट, टारगेट ऑफ 3 इयर्स इज 27,655 ट्रेनिंग फॉर वेरायटी ऑफ जॉब रोल्स। नेक्स्ट देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट की बात की है स्ट्रीप प्रोजेक्ट, तो देखिए 2 प्रोजेक्ट मैं मानता हूँ, एक संकल्प एक स्ट्रीप प्रोजेक्ट, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, पहले इनका एक बार बैकग्राउंड डिस्कस कर लेते हैं। तो किसी भी स्कीम को जानने का सबसे अच्छा सोर्स रहता है पीआईबी, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की जो है देखिए ये न्यूज रहती है 7 जनवरी 2019 की, और संकल्प के बारे में देखिए आपके जो है एचपीएस जो 2019 का जो प्रीलिम्स था उसमें पूछ लिया गया था, तो अगर आपको हल्का सा भी आइडिया था कि स्किल डेवलपमेंट स्कीम है यूथ्स के लिए, उनको मार्केट ऑरिएंटेड जो कोर्स है या प्रेजेंट नीड के हिसाब से जो भी स्किल डेवलपमेंट कोर्स है वो प्रोवाइड कराने करवाए जाते हैं इसमें, तो आप उस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए 2 न्यू स्किल डेवलपमेंट स्कीम जो अप्रूव की गई है इससे रिलेटेड न्यूज रहती है, तो देखिए जो 2 न्यू स्किल डेवलपमेंट स्कीम जो रहती है जो कि अप्रूव हुई है, इसमें फर्स्ट आती है संकल्प, संकल्प की देखिए एक्सपेंडेबल फॉर्म क्या है, स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लिवलीहुड प्रमोशन, यहाँ पर नहीं दिया है, इसका मतलब है लिवलीहुड प्रमोशन। तो संकल्प की पूरी एक्सपेंडेबल फॉर्म है
स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लिवलीहुड प्रमोशन, दैट इज संकल्प स्कीम। तो संकल्प स्कीम का हम ध्यान रखना, संकल्प स्कीम एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जबकि ये जो स्ट्रीप स्कीम है दूसरी, स्किल स्ट्रेंथनिंग फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू इन्हेंसमेंट, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ये पूरी पूरी 100% फंडेड ही सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा है, लेकिन संकल्प जो है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, कुछ फंडिंग इसमें सेंट्रल की होगी और कुछ स्टेट गवर्नमेंट की फंडिंग करेगी संकल्प में। तो इस तरह से डिफरेंसेस होते हैं, और यूपीएससी इस तरह से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन भी पूछ लेती है, तो एचपीएस में भी स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन जो है आ सकते हैं। तो संकल्प के बारे में आप ध्यान रखिए कि संकल्प है आपका स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लिवलीहुड प्रमोशन, ये एक आपकी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जिसका टोटल साइज रहता है $375 मिलियन, और इसमें जो वर्ल्ड बैंक असिस्टेंस रहती है $500 मिलियन की, टू ब्रांचेस में ऑफ यूएस $250 मिलियन ईच, और 6 ईयर इसका जो है इंप्लीमेंटेशन शेड्यूल है। और अगर हम बात करें तो इसके लिए 2017 में जो है IBRD जो रहता है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, देखिए जो वर्ल्ड बैंक है उसमें दो इंस्टीट्यूशन है IBRD और IDA, तो IBRD के साथ जो है 2017 में गवर्नमेंट इंडिया का जो है एक MOU जो इसके लिए साइन हो चुका है, विच केम इन इफेक्ट इन 19 जून 2018। और संकल्प जो है एक प्रोजेक्ट रहता है वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए संकल्प प्रोजेक्ट में रिफॉर्म भी किया जाएगा स्किल डेवलपमेंट लैंडस्केप को, जो भी स्किल डेवलपमेंट लैंडस्केप जो चला हुआ है उसको रिफॉर्म किया जाएगा, उसमें सुधार किया जाएगा इसमें। तो संकल्प इज अ प्रोजेक्ट टू रिफॉर्म द स्किल डेवलपमेंट लैंडस्केप, स्ट्रेंथनिंग इंस्टीट्यूशन एट सेंट्रल स्टेट लेवल, इनेबल ग्रेटर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ स्किल डेवलपमेंट गवर्नेंस, वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रेटर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ स्किल डेवलपमेंट गवर्नेंस इसमें की जाएगी, एंड इंप्रूव इंडस्ट्री कनेक्ट ऑफ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, मेन ऑब्जेक्टिव रहते हैं प्रोजेक्ट ये रहते हैं, क्रिएटिंग कन्वर्जेंस अमंग ऑल स्किल ट्रेनिंग एक्टिविटीज, जो भी स्किल ट्रेनिंग एक्टिविटीज है उनको कन्वर्जेंस करना बोथ स्टेट लैंड एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंडेड को जो है स्टेट लेवल के ऊपर उनकी कन्वर्जेंस करना, इंप्रूव करना क्वालिटी ऑफ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम थ्रू इनेबल सच एज बिल्डिंग अ पूल ऑफ क्वालिटी ट्रेनर्स एंड असेसर्स, डेवलपिंग मॉडल करिकुलम एंड कंटेक्ट स्टैंडर्डाइजेशन असेसमेंट एंड सर्टिफिकेशन, फिर उसके बाद इस्टेब्लिशिंग रोबस्ट मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन सिस्टम, तो एक रोबस्ट मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन सिस्टम इसके अंदर जो डेवलप करना फॉर स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, प्रोवाइडिंग असेस टू स्किल ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी, स्किल्स ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी जो एक असेस जो प्रोवाइड करना टू डिसएडवांटेज सेक्शंस, और क्रिएटिंग इंडस्ट्री लेड डिमांड ड्रिवन स्किल ट्रेनिंग कैपेसिटी। तो मैंने आपसे पहली बात की थी संकल्प में जो है इंडस्ट्री लेड डिमांड ड्रिवन जो है मार्केट ओरिएंटेड जो है स्किल ट्रेनिंग कैपेसिटी जो है डेवलप करना। दूसरा रहता है स्ट्रीव, तो स्ट्रीव रहता है स्ट्रेंथनिंग सॉरी स्किल स्ट्रेंथनिंग फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू एडिशन इन इन्हेंसमेंट, तो ये जो स्ट्रीप जो रहता है स्किल्स स्ट्रेंथनिंग फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू इन्हेंसमेंट, ये प्रोजेक्ट जो अगेन वर्ल्ड बैंक असिस्टेंस प्रोग्राम रहता है, और ये जो है एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम रहती है वेरी इंपॉर्टेंट, और इसके लिए अगेन MOU जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है IBRD के साथ जो साइन किया जा चुका है 19 दिसंबर 2017 में, और ये प्रोजेक्ट आपका चलेगा November 2022 तक। तो ये जो अगेन सेंट्रल सेक्टर स्कीम है संकल्प जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जबकि स्ट्रीप जो रहती है स्किल्स स्ट्रेंथनिंग फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू एडिशन, ये आपकी जो है सेंट्रल सेक्टर स्कीम रहती है, और इसमें जो बजट आउट ले रहेगा आपका 2200 करोड़ की योजना है कवरिंग दी 4 एरियाज, तो इंप्रूव्ड परफॉर्मेंस ऑफ ITS जर्नी, इसमें ITS का परफॉर्मेंस इंप्रूव किया जाएगा, इंक्रीज कैपेसिटी ऑफ गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स ताकि वो सपोर्ट कर सके IITs एंड अप्रेंटिसशिप लेवल, फिर इंप्रूव्ड टीचिंग एंड लर्निंग, इंप्रूव्ड एंड ब्रॉडेड अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, ठीक है, ऑपरेशनल गाइडलाइंस जो है ऑपरेशन मैनुअल में जो इसकी जो प्रिपेयर की जा चुकी है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट दोनों ही संकल्प एंड स्ट्रीप स्कीम्स, जो कि प्रीलिम्स एज वेल मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसमें बात की ये स्ट्रीप प्रोजेक्ट के तहत की 19 ITIs को जो सिलेक्ट किया गया अंडर दी, देखिए यहाँ पर गलत दिया गया है इकोनॉमिक सर्वे में, ऐसे इकोनॉमिक सर्वे गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट होता है इसके ऊपर ट्रस्ट किया जाता है, लेकिन यहाँ पर एक गलती मैंने जो पकड़ी, ये जो है एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, आप इसको कंफर्म कर सकते हैं गूगल में आप खुद भी सर्च करके, आप ध्यान रखना स्ट्रीप जो है एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी कि 100% फंडिंग जो है इसकी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और वर्ल्ड बैंक असिस्टेंस की स्कीम है। तो स्ट्रीप स्कीम का ध्यान रखना स्किल स्ट्रेंथनिंग फॉर इंडस्ट्री वैल्यू इन्वेस्टमेंट, स्किल स्ट्रेंथनिंग फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू इन्वेस्टमेंट जो है ये जो है एक जो है सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, जिसमें अपग्रेड किया जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ ITIs, सपोर्ट किया जाता है ITIs को, उनकी इन्वॉल्वमेंट जो बढ़ाई जाती है, उनमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बढ़ाई जाती है, और गवर्नमेंट को सपोर्ट किया जाता है ताकि वो जो स्ट्रेंथन कर सके ITIs को और अप्रेंटिसशिप्स को भी सपोर्ट कर सके। तो इस तरह से जो इसमें जो है बात की है, देखिए इनिशिएटिव इन व्यू ऑफ COVID-19 अगर हम बात करें तो मोर देन 300 फैकल्टी जो हैव बीन ट्रेंड थ्रू ऑनलाइन फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि कंडक्टेड हुआ बाय द NITTR, ITI, IIT सॉरी NIT, NIFT एंड CIPT, फिर कंडक्टेड द ऑनलाइन एडमिशन काउंसलिंग प्रोसेस विद रिस्पेक्ट टू इंजीनियरिंग एंड फार्मेसी कोर्स इन द ईयर 2021 एंड स्टार्टेड द क्लासेस ऑफ एडमिट स्टूडेंट्स एज पर AICTE स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, बिसाइड क्लासेस एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स बाइंग अरेंज्ड ऑनलाइन, तो सब कुछ देखिए COVID-19 वजह से ऑनलाइन ही हुआ। नेक्स्ट देखिए हेल्थ की बात की जाएगी, तो ध्यान रखना अपने हेल्थ हो गया, आपकी क्या बोलते हैं पुलिस हो गई, पब्लिक ऑर्डर हो गया, ये स्टेट सब्जेक्ट रहते हैं। तो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की अगर बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट का विजन रहता है टू इंश्योर गुड हेल्थ एंड वेलबिंग फॉर ऑल सिटीजंस ऑफ दी स्टेट बाय प्रोवाइडिंग दम गुड हेल्थ सर्विसेज, इलिमिनेशन ऑफ कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज एंड ऑल्सो एक्सपेंडिंग दी हेल्थ केयर सर्विसेज, जिसमें प्राइमरी
हेल्थ केयर सर्विसेज होगी, सेकेंडरी होगी, टर्सरी होगी, तो हिमाचल प्रदेश में हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट जो रहते हैं प्रोवाइड करता है सर्विसेज इंक्लूड करेटिव, प्रिवेंटिव, परमेटिव एंड रिहेबिलिटिव सर्विसेज थ्रू नेटवर्क हॉस्पिटल्स, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स एक्सेट्रा। तो देखिए नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स की अगर बात करें तो 98 हो चुके हैं 1920 में, 99 हो चुके हैं अब 2021, और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर की बात करें तो 91 है, फिर पीएचसी की अगर बात करें तो 574 है, ईएसआई डिस्पेंसरी 16, तो टोटल सर 72 हो गया, और बेड कैपेसिटी 14,553 हो गई इनमें। और देखिए नीचे दिया गया टेबल है कि ब्रीफ डिस्क्रिप्शन टू वेरियस हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स की बताई गई है, जिसमें टीबी सेंटर की बात की गई है, तो टीबी कंट्रोल प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो 1 है, फिर डिस्ट्रिक्ट टीबी कंट्रोल सेल है 12, ब्लॉक टीबी यूनिट टीबी से रिलेटेड कंट्रोल करने से रिलेटेड जो है गवर्नमेंट के जो वर्क है उनको जो है बताया गया है। नेक्स्ट वेरियस प्रोग्राम जो रहते हैं हेल्थ डिपार्टमेंट के इन दी स्टेट उसमें डिस्कस किया प्रोग्राम और डिस्क्रिप्शन, तो पहला है नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, तो इसमें बताया गया कि 2,23,562 स्लाइड्स वर एग्जामिन्ड, आउट ऑफ व्हिच 32 स्लाइड्स वर फाउंड पॉजिटिव ड्यूरिंग 2021, नंबर ऑफ डेथ्स ड्यू टू मलेरिया वाज रिपोर्टेड ड्यूरिंग दिस पीरियड। उसके बाद मलेरिया का हमने ध्यान रखना, मलेरिया जो प्रोटोजोआ से होता है प्लाज्मोडियम फैमिली का ये रहता है। फिर नेशनल लेप्रोसी रिडक्शन प्रोग्राम की बात करें तो प्रीवलेंस रेट जो रहती है 5.14% 1995-96 लेप्रोसी, जो कि रिड्यूस हो चुकी है 0.18% पर 10,000 इन 2020-21। और रिवाइज नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम की बात करें आरएनटीसीपी रिवाइज नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम, तो टोटल 30,872 न्यू केसेज रजिस्टर्ड हुए इन द ईयर अप टू दिसंबर 2020। तो देखिए इनको कंट्रोल करने की जो इसमें बात की जा रही है, देखिए मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी भी आज की डेट में जो चला हुआ, सुपर बग हम बोल देते हैं, आपने सुपर बग जो है सुना होगा नाम, न्यूज़पेपर वगैरह में आता रहता है सुपर बग, तो सुपर बग हम ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बोल देते हैं जो कि एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंट हो जाते हैं, ड्रग रेजिस्टेंस हो जाते हैं, जो दवाइयों के भी रेजिस्टेंस हो जाते हैं, बैक्टीरिया हो गए, फंगस हो गए, जो हमारी बॉडी को डैमेज करते हैं, तो उनको मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस हम बोल देते हैं। तो टीबी में भी ऐसा देखा गया कि जो टीबी का जो बैक्टीरिया है वो भी ड्रग रेजिस्टेंस जो हो जाते हैं ज़्यादा एंटीबायोटिक लेने से। नेक्स्ट हम बात करें नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस, तो इसमें दिसंबर 2022 30,805 कैटेक्ट ऑपरेशन जो किए गए। नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम की बात करें तो दिस इज कैरेड आउट इन द स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिटी नीड्स असेसमेंट अप्रोच, इस प्रोग्राम के तहत 1,093 स्टेरिलाइजेशन, 70,000 आईयूडीज इंसर्शन ठीक है वेयर डन एंड 7,933 ओपी यूजर्स एंड 40,797 सीसी यूजर को बेनिफिट ऑफ दिसंबर 2020। आईयूडी देखिए एक इंटर यूटरिन डिवाइस होती है, डिवाइस को इंसर्ट कर दिया जाता है जिससे फर्टिलाइजेशन को रोका जाता है। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की अगर बात करें तो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो इंप्लीमेंटेड हो रहा है ताकि जो भी मॉर्बिडिटी जो होती है जो कि वैक्सीन प्रिवेंटेड डिजीज है चिल्ड्रन में फैलती है उनको कंट्रोल किया जा सके। तो वैक्सीन प्रिवेंटेड डिजीज हमारे पास ट्यूबरकुलोसिस, डायफ्थेरिया, प्यूटेसिस, नियोनेटाल, टेटनस, निमोनिया, पॉलीमेटिसिस, मीजल्स एंड रूबेलास। उसका देखिए हिम केयर स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम रहती है, हिमाचल हेल्थ केयर स्कीम, हिम केयर स्कीम, इसमें 5,00,000 तक का जो है हेल्थ केयर फैसिलिटी जो प्रोवाइड करवाई जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट। एक कार्ड बनता है जिसकी में जो 5,00,000 तक का जो आपका जो खर्चा होता है वो गवर्नमेंट द्वारा उठाया जाता है, और डिफरेंट कैटेगरीज के लिए डिफरेंट इसमें जो फीस रखी गई है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की बात करें तो प्रधानमंत्री JAY आयुष्मान भारत जो योजना है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, तो इसमें 5,00,000 तक का जो है पर फैमिली पर ईयर जो है बीपीएल फैमिली इसमें कवर की जाती है, इनको जो है हेल्थ इंश्योरेंस जो प्रोवाइड करवाई जाती है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की बात करें तो ऑल हेल्थ एंड सब हेल्थ सेंटर पीएचसीज विल बी अपग्रेडेड एज हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बाय 2022। अगर बात करें नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज एंड स्ट्रोक, तो अंडर दिस प्रोग्राम फॉलोइंग स्कीम्स हैव बीन लॉन्च्ड, टैली स्ट्रोक प्रोजेक्ट, नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम, कैंसर केयर यूनिट्स, ई हेल्थ, पैलिएटिव केयर यूनिट्स, इंटीग्रेटेड न्यूरो क्लिनिक, प्रमोटिंग स्कूल इनिशिएटिव्स। एडोलेसेंट हेल्थ की अगर बात करें तो ड्यूरिंग 2020। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम की अगर बात करें तो इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर अप टू दिसंबर 2020 आउट ऑफ एसटीडी पर्सन 74,686 पर एएनसी क्लाइंट्स की गेटिंग डायग्नोस टेस्ट एचआईवी पॉजिटिव, तो इस तरह से देखिए टेस्टिंग में जो एचआईवी की जो की जा रही है, इस तरह वेरिएशन शेड्यूल जो कदम उठाए जा रहे हैं। नेक्स्ट जो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च की बात की है तो प्रेजेंटली देखिए 6 मेडिकल कॉलेज और 1 डेंटल कॉलेज जो है फंक्शनिंग अंडर दिस डायरेक्टरेट इन गवर्नमेंट सेक्टर बिसाइड दिस 1 मेडिकल कॉलेज और 4 डेंटल कॉलेज जो प्राइवेट सेक्टर में जो है फंक्शनिंग। तो देखिए 6 मेडिकल कॉलेज हैं आपके और 1 डेंटल कॉलेज मिलेगा आपको गवर्नमेंट सेक्टर में, और 1 मेडिकल कॉलेज एंड 4 डेंटल कॉलेज जो आपको प्राइवेट सेक्टर में देखने को मिलेंगे। आईजीएमसी आपको शिमला में है, फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज टांडा में है, डॉक्टर वाई एस परमार गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नाहन में है, पंडित जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चंबा में है, और डॉक्टर राधाकृष्ण गवर्नमेंट कॉलेज हमीरपुर में है, श्री लाल बहादुर शास्त्री गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नेचौक में आपको मंडी में देखने को मिलेगा, और अटल मेडिकल रिसर्च यूनिवर्सिटी मंडी एंड नेचौक। ओके देखिए अकेडमिक अचीवमेंट्स की बात करें तो अकेडमिक अचीवमेंट्स इन मेडिकल एजुकेशन रिसर्च आर एज
तो एमबीबीएस एंड पीजी की बात करें तो अकेडमिक सेशन अगर 2021 की बात करें तो 870 एमबीबीएस सीट्स हो चुकी हैं जो कि फील्ड इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर में, बिसाइड 260 पीजी सीट्स हैं आपकी जो कि एलोकेटेड है आईजीसीएमसी शिमला, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गवर्नमेंट मेडिकल टानाडा, महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी सोलन। और बीडीएस और एमडीएस की बात करें, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी एंड मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी, तो 355 बीडीएस सीट्स एंड 95 एमडीएस सीट्स जो है फील्ड इन बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस। नर्सिंग की बात करें तो 30 सीट्स ऑफ एएनएम एंड 1540 सीट फॉर जीएनएम कोर्सेस। तो देखिए एएनएम की फुल है ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी एंड जीएनएम की फुल होती है जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी और 1780 बीएससी नर्सिंग सीट्स और 435 पोस्ट बीएससी सीट जो है हमारी स्टूडेंट फिलअप की गई। पैरामेडिकल कोर्सेज की बात करें तो 61 स्टूडेंट्स एनरोल्ड हुए इन पैरामेडिकल कोर्सेज वेरियस टीम्स ड्यूरिंग एकेडमिक सेशन 2021 आईजीएमसी शिमला एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज टांडा। स्कॉलरशिप और स्टाइपेंड की बात करें तो जो भी इंटर्नशिप्स के जो स्टूडेंट्स हैं, देखिए एमबीबीएस जो देखिए आपकी 5 साल की होती है, 4 साल की ट्रेनिंग रहती है और 5वीं साल जो इंटर्नशिप होती है, इस तरह से बीडीएस का भी रहता है। तो 5th ईयर जो इंटर्नशिप होती है 1 साल की, उसमें जो स्कॉलरशिप या स्टाइपेंड है वो 15,000 से बढ़ा के जो है बोथ एमबीबीएस और बीडीएस के लिए हमारे स्टेट में जो है 17,000 रुपये जो उसको जो कर लिया गया है। और डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड कोर्सेज अगर बात करें तो फॉर एडमिशन टू डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड कोर्सेज 2 सीट्स ईच इन न्यूरोलॉजी एंड फिजियोलॉजी इन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गवर्नमेंट कॉलेज टांडा एंड 3 सीट इन ज्ञान इन शिलाल गवर्नमेंट मंडी में एलोकेट की गई। अब देखिए इंस्टीट्यूशनल अचीवमेंट्स की अगर बात करें तो आईजीएमसी शिमला में डिप्लोमा सेंटर स्टेबल किया गया, सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो इस तरह से डिफरेंट फैसिलिटीज जो गवर्नमेंट द्वारा जो है इन कॉलेजेस में जो देखिए जो प्रोवाइड कराई जा रही है। आयुष की अगर हम बात करें तो इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन और होम्योपैथी जो प्लेस करता है वाइटर रोल इन द हेल्थ केयर सिस्टम ऑफ द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो डिपार्टमेंट ऑफ आयुर्वेद को सर्टिफिकेट 1984 में बाद में इसका नाम जो आयुष रख दिया गया। तो स्टेट आयुष पॉलिसी 2019 में जो फ्रेम्ड की गई है। तो इस तरह से जो देखिए आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी है, पीजी आयुर्वेदिक कॉलेज एक है, हमारे भी फार्मेसी कॉलेज जो आयुर्वेद से रिलेटेड रहता है वो भी एक हमारी स्टेट में लोकेट रहता है। डिफरेंट अचीवमेंट्स देखिए इसमें जो डिस्कस की गई है जो कि इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट देखिए आपकी नहीं है। इसमें देखिए आयुर्वेदिक एजुकेशन आपने ध्यान रखना कि बीएमएसएस जो जो सीट्स रहती हैं ये जो है 60 से 75 जो कर दी गई है और पोस्ट ग्रेजुएट सीट जो 39 से 56 कर दी गई है 2021 में। बीएमएस की फुल फॉर्म रहती है बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्विसेज। ओके नेक्स्ट जो रहता है डेवलपमेंट ऑफ हर्बल रिसोर्सेज, इनसे जो हम नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट लेक्चर में इसमें इस रिलेटेड डिस्कस